2021 के मुकाबले 2022 में प्रदेश भर में सड़क हादसों में 27% का इजाफा देखने को मिला है। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों की बात करें तो 19.15% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर हादसों की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को लेकर RTO शैलेश तिवारी का कहना है कि सड़क दुर्घटना में किसी तरह से कमी लाई जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। RTO शैलेश तिवारी अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए चालान की संख्या में भी वृद्धि की गई है। बता दें कि इन दिनों प्रत्येक जगहों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि कम से कम 50% हादसों को कम किया जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साथ ही साथ हमारा दूसरा जो फोकस है वो प्रचार प्रसार का भी है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रचार प्रसार का बहुत पॉजिटिव रोल होता है। अगर आप 100 लोगों को बताते हैं, उसमें 10-20 लोग भी आपकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जो रैश ड्राइविंग और ये सब चीज़ें वायलेशन जो होती हैं ये कम होने लगती है, और इसका इम्पैक्ट दुर्घटनाओं पर भी पड़ता है। और हमारा पूरा फोकस इस साल दुर्घटनाओं को कम करने का है। अगले 2-3 सालों में हम 50% जो दुर्घटनाएं हैं कम करने का हमारा लक्ष्य रखा।